हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली। आपका मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ किचन में स्वागत है। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है सेव पूरी स्टफ पकौड़े की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टफ सेव पूरी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए छोटे साइज़ की सेव पूरी, छोटी मठरी या पापड़ी भी कह सकते हो आप इसे। सेव है, नाइलॉन सेव हैं, बारीक कटा हुआ अनियन है, मैश करे हुए पोटैटो हैं, ग्रीन चटनी है, मीठी चटनी है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, जीरा है, रेड चिली सॉस है, हरा धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चें, काला नमक और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। हम मैश करे हुए पोटैटो ले लेंगे, इसमें ही हम मैश ये चॉप्ड अनियन मिला देंगे, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, भुना जीरा, चिली सॉस है ये, काला नमक और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ग्रीन चटनी मिलाऊंगी और 1 चम्मच ही मीठी सॉल्ट। हमारा स्टफिंग का मिक्सचर तैयार हो गया है। हमने जो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है इसका भी हम एक बोल तैयार कर लेंगे पानी डाल के। ये भी हमारा तैयार हो गया है। फिंग करेंगे इस तरह से और इसे ऐसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारी पापड़ियों को तैयार कर लेंगे। हमने सबकी स्टफिंग करके तैयार कर ली है। हम जो पापड़ियों को हमने स्टफिंग करके रखा है, तैयार करके रखा हुआ है, उन्हें हम कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे। ये इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। हम ऐसे ही सारे तैयार करके रख लेंगे। सारी सेव पूरी स्टफ पकौड़े तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ब्रेड क्रम्स हैं वो इसके ऊपर सेट हो जाएं। फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमने तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। ये सिक गए हैं, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। हम बाकी के भी तल लेंगे। हमारे सारे स्टफ पकौड़े सिककर तैयार हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। हम इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे। मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में इस तरह से रखूंगी।
इसके ऊपर मैं ये बारीक वाले नायलॉन सेव रखूंगी। मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिंट चटनी रखूंगी। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इमली की चटनी डालूंगी थोड़ी इसके ऊपर। और बारीक कटा हुआ धनिया। इसे मैं इमली की चटनी और मिंट की चटनी के साथ सर्व करूंगी। अगर आपको सेव पूरी स्टफ पकौड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर